हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटी कंपटीशन डेडिकेशन। आज का कॉन्टेस्ट अलर्ट है नेशनल लेवल पेट्रियोटिक पोयम कंपटीशन। यह एक पोयम कंपटीशन जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडिपेंडेंस डे 2020 को सेलिब्रेट करने के लिए। यह कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग के साइड से, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस कॉन्टेस्ट में 10 से 14 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेस्ट की जितनी भी गाइडलाइंस है और कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सारा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। हम कॉम्पिटिशन और एडुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो CCRT के साइड से ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन है में आप अपनी कविता अपने पोयम के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि यह इंडिपेंडेंस डे 2020 को सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा है, तो इसका थीम भी पेट्रियोटिक पोयम है, यानी कि आपको देश प्रेम से रिलेटेड पोयम लिखना है और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो 10 से 14 साल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे डेट भी दी गई है। तो जो भी बच्चे जिन डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007 से लेके 30 जून 2011 तक पड़ता है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइमलाइन की बात करें तो 7th अगस्त 2020 टिल 11:30 PM तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे पहले आपको एंट्री दे देनी है। अब हम अवार्ड्स देख लेते हैं। तो अवार्ड्स की बात करें तो जो भी सिलेक्टेड विनर्स होंगे उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में कैश प्राइजेस भी दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज की बात करें तो ₹50,000 का कैश प्राइज मिलेगा। सेकेंड प्राइज 7,500, थर्ड प्राइज 5,000 रुपीज एंड कॉन्सोलेशन प्राइज भी है, जो कि एक एक विनर्स को मिलेगा, जो कि हर स्टेट और यूनियन टेरेटरी से सेलेक्ट किए जाएंगे, जिनको 2,000 का कैश प्राइज दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने होंगे। तो कुछ गाइडलाइंस है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। गाइडलाइंस की बात करें तो इंडियन नेशनल्स के लिए ये कॉन्टेस्ट ओपन है, यानी इंडियन सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको बताया कि 10 से 14 ईयर्स के बच्चे वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको माई गोव की प्लेटफॉर्म पे आना है और यहाँ से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे मैं आपको पार्टिसिपेशन प्रोसेस भी बताऊँगी। लैंग्वेज की बात करें पोयम की, तो आप जो अपनी कविता है वो 8 शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस है उनमें से किसी में भी आप लिख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में जो 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी गई हैं उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है वो है इंग्लिश, संस्कृत, आसामीज, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संथाली, सिंधी एंड उर्दू। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और इनमें से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पोयम की लाइंस की बात करें तो मिनिमम 10 लाइंस की पोयम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। और जो भी पोयम आप लिखेंगे वो आपकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी होनी चाहिए। टेक्निकल गाइडलाइंस जो कि आपको फॉलो करने होंगे, जितने भी एंट्रीज है वो माई गोव की प्लेटफॉर्म में ही सबमिट होगी और इसको आपको जो डेडलाइन दिया गया है उससे पहले सबमिट कर देना है। विनर्स जो है वो अनाउंस किए जाएंगे ईमेल के थ्रू, या फिर उनका नाम जो है वो माई गोव की ब्लॉग पेज पे भी अनाउंस किया जाएगा और साथ में CCRT के वेबसाइट पे भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस दिए गए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप वेबसाइट पे आकर के विजिट करके इसको पढ़ के और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप गूगल पे माई गोव लिख करके भी इसमें वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आकर के आपको लॉगिन टू पार्टिसिपेट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको माई गोव की ID लॉगिन करने के लिए आएगी। वहाँ से आपको अपनी ID लॉगिन करनी है और लॉगिन करके आपको सबमिट द टास्क का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप अपनी पोयम को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने माई गोव में ID नहीं बनाई तो उसके भी एक वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं और अपनी ID बना सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो यह था प्रोसेस इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का। आई होप आपको क्लियर हुआ हो
पार्टिसिपेट करने से पहले आप एक बार इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ ले ताकि आप आसानी से इसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। आपके आसपास कोई बच्चे हैं जो कि इस एज ग्रुप में आते हैं तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं और उनको भी इससे पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस। सभी कॉन्टेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमें यूट्यूब के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।